हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकेश कश्यप, आपका स्वागत है कृष्णा कोचिंग क्लासेस में। ये क्लास मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस समय हाई स्कूल का पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं। परसों हाई स्कूल का एग्ज़ाम है मैथ का। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा आप सभी को अधिक से अधिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने की, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जिस बच्चे ने तैयारी कर रखी है उसकी और जिसने तैयारी नहीं कर रखी है उसकी, सबको ध्यान में रखते हुए एक ऐसी वीडियो तैयार कर रहा हूँ जिसको आप देखने के बाद कम से कम 60 नंबर लेकर आ सकते हो। शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, सही से देखनी होगी, एक एक पॉइंट देखना होगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ समझाऊँगा, डीपली समझाऊँगा, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको समझाऊंगा। मैंने जैसा कि लिख रखा है कि ये मैराथन क्लास है, इट मीन्स तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें सबसे पहली चीज़ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए क्यों है, क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ भी तो आप अगर इस वीडियो को ही देखते हो तो मेरा पूरा दावा है कि आप कम से कम 60 नंबर लेकर आ सकते हो। शर्त यह है कि कम इसे ध्यान से पढ़ना होगा, सब कुछ भूल कर। अब तक ये माइंड से निकाल देना है कि आपको कुछ नहीं आता। अगर कुछ नहीं आता है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल ब्लैंक हैं। बिल्कुल ब्लैंक होने के बाद आपको ये चीज़ जो मैं आपके दिमाग में भर रहा हूँ सबको आपको देखते हुए चलना है, बस और कुछ नहीं करना, आपका इतना काम करना है। और हाँ, आपके साथ साथ अगर आपके जैसे और भी दोस्त हो, सखी सहेली जो भी हो, उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे कि उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना, और कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कि सर क्या क्वेश्चन का क्या जवाब है। कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर, वीडियो का टाइम वगैरह सेट करके कि इतने बजे इतने मिनट पर आपने जो बोला है उस जगह क्या था, ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको सॉल्यूशन बता दूँगा कमेंट के अंदर, तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आप सभी बच्चों को कम से कम 60% आएंगे, 60 नंबर आ जाएंगे, 100% श्योरिटी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और चैप्टर्स जो भी हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले कहना चाहूँगा गुड लक। इसके बाद मैंने यहाँ आपको लिख कर दे दिए हैं टोटल चैप्टर्स, ठीक है, कि जो आपके हाई स्कूल के अंदर चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स क्या क्या हैं। चैप्टर्स हैं वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चरों का रेखीय समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिभुज, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वृत्त, ज्यामिति रचनाएं, वृत्तों से संबंधित, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। इस पूरे पोर्शन को जो आपके 15 चैप्टर्स हैं, इन 15 चैप्टर्स को मैंने 7 भागों में डिवाइड कर दिया है। आपको इस अकॉर्डिंग डिवाइड किया इन 7 चैप्टरों के 7 भागों में कि आपको किस पोर्शन से कितने नंबर आते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले दे दिया कि वास्तविक संख्या से आपको 5 नंबर का मिलेगा, ठीक है। आपका बहुपद चैप्टर होता है, दो चरों वाले रेखीय समीकरण हो गया, युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी और निर्देशांक ज्यामिति, सॉरी समांतर श्रेणी। ये आपके जो चैप्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, इन 4 चैप्टरों से आपको 18 नंबर का मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक चैप्टर आता है ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ये 5 नंबर का चैप्टर है, इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बाद में आता है त्रिभुज, और त्रिभुज के साथ में ये दो चैप्टर आते हैं, वृत्त और ज्यामिति रचनाएं, ये 3 चैप्टर से आपको 12 नंबर का मिलेगा। त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसके अंदर आपके हाइट एंड डिस्टेंस भी इंक्लूड है, ये 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके 8 नंबर के। सांख्यिकी और प्रायिकता, इन दोनों के मिलाकर आपको 10 नंबर का मिलेगा। ये टोटल हमने यहाँ लिख रखा है कि आपको 5, 18 ये सब चीज टोटल करके ये टोटल हो गया कि आपका 70 नंबर का पेपर कंप्लीट होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा पता चल गया है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का हमें आना है। तो आप खुद समझदार हैं कि किस चैप्टर को हमें ज्यादा करना है, किस चैप्टर को कम करना है। तो मैं स्टार्टिंग में आपको वो चैप्टर्स कराना उचित समझ रहा हूँ जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको कम से कम करने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा नंबर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ये एक ऐसा चैप्टर है, दो चैप्टर्स हैं केवल, और इसके अंदर आपको 12 नंबर मिल रहे हैं। ये 18 नंबर का चैप्टर है,
ये 12 नंबर का चैप्टर है, ये दोनों मिलकर 10 नंबर के। तो मैं अपने हिसाब से आपको आपके माइंड को सेट करते हुए देखो कराऊंगा सारा का सारा, पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन दूंगा इस वीडियो के अंदर। ये ना हुआ तो एक की जगह दो पार्ट में बन जाएगी वीडियो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आज के दिन में ही आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा पूरी किताब का, ठीक है? तो आप मेरे साथ लगे रहिए। अब स्टार्ट करते हैं इसी चीज को। स्टार्टिंग में हम आपको चैप्टर लेकर चलेंगे पहले, वो जिससे कि आपको मिले काफी कुछ, ठीक है? तो ऐसे हम चैप्टर लेकर चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहला चैप्टर क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भैया आप लोग बहुत से होंगे जो कि होशियार होंगे, और बहुत से ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर समझ में नहीं आता। अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता तो मेरा आपसे वादा है कि आप बस 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए, और 5 मिनट के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरीके से आ जाएगी, ठीक है? तो पहला चैप्टर जो है वो क्या होता है? त्रिकोणमिति, ठीक है ना? तो पहले बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति होती क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे, ये अगर आपने हासिल कर लिया सही से, तो एक तरीके से अंदर से फीलिंग आती है कि हमें पूरी की पूरी किताब आती है, ठीक है? तो ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर ये आपने कर रखा है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज बिल्कुल भर जाती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो त्रिकोणमिति, देखो भैया जैसा कि दे रखा है त्रिकोण, एक ही से अगर डिवाइड कर रहे हैं ये हो गया त्रिकोण। त्रि मीन्स होता है तीन, ठीक है? कोण मीन्स कोण, और मिति मीन्स होती है रचना। मिति मीन्स क्या होती है? रचना, ठीक है? ओके, तो ऐसा इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें, तीन कोणों से बनी हुई रचना या तीन कोणों से बनी हुई आकृति से जो क्वेश्चंस आते हैं उसे बोलते हैं हम त्रिकोणमिति, ठीक है? अब त्रिकोणमिति के अंदर हम एक ट्राइंगल का यूज करते हैं, एक त्रिभुज का यूज करते हैं, और यह त्रिभुज जो होता है इसे बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको? समकोण त्रिभुज, ठीक है बच्चे? बिल्कुल बेस से लेकर चल रहा हूं, जहां से कि आपका कुछ भी अगर आपको नहीं आता तो आप समझ सकते हैं। समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? जिसका एक कोण होता है 90 डिग्री। अगर किसी को 90 डिग्री की पहचान नहीं है तो एल लिखा होता है, एल उल्टा बना लो, एल सीधा बना लो। तो यहां पर जो L टाइप की जो आकृति होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जिसे बोलते हैं लंब, ठीक है? समकोण त्रिभुज के अंदर ही हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, और अगर आप कोई और त्रिभुज यूज करेंगे उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होगी। अगर यूज करोगे ट्रिग्नोमेट्री को तो वहां हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है। वो आपके हाई लेवल की बात है, आप हाई स्कूल लेवल के हो, हाई स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग हम आपको पहले बताना चाहेंगे। इसके अंदर देखो 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण होती है, जिधर कोण बना होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हम देखते हैं दो साइड से, एक यहां से एक यहां से, ठीक है? नीचे से अगर कोई कोण बन रहा है तो होता है उन्नयन कोण, ऊपर से अगर कोई कोण बन रहा है तो होता है अवनमन कोण, ठीक है? अगर हम उन्नयन कोण की तरफ से देखते हैं तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो होगी लंब, और जो जिस पर बना होता है वो होता है आधार, ठीक है? कर्ण कभी नहीं बदलता। अगर हम अवनमन कोण की तरफ से देख रहे हैं तो अवनमन कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा आधार, क्लियर? ये दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी, कर्ण चेंज नहीं होगा। नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है? अब इतना होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपने 7वें 8वें क्लास में पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सही है? इसको तमीज से देख लेते हैं। देखो कर्ण जो होता है वो सबसे लंबी भुजा है, और कोई भी बड़ी चीज चाहने के लिए, कोई भी बड़ी चीज अगर तुम्हें प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें छोटी छोटी चीजों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो जब भी किसी बड़ी चीज को लोगे, प्राप्त करना चाहोगे, तो उसके लिए छोटी छोटी चीजों को हमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि हमें अगर एक कुछ सपोज आप लोगों को कोई खिलौना चाहिए और वो खिलौना आपको 200 रुपये का है, आपकी पॉकेट मनी अगर 10 रुपये है, तो आप क्या करोगे कि उस 10-10 रुपये को रोजाना जोड़ना चालू कर दोगे, 200 रुपये बन जाएंगे। तो छोटी छोटी चीजों को क्या करा हमने? जोड़ा।
तो जोड़ने से बननी ना बड़ी चीज, तो हमें कर्ण अगर निकालना है तो छोटी छोटी चीजों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर किसी छोटी चीज को निकालना है तो बड़ी चीज में से घटाना पड़ता है, ठीक है। तो हमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और अगर हम निकालें लंब स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कर्ण में से बड़ा कौन है, कर्ण, कर्ण में से तीसरी चीज को घटा दो, सही है। अगर हमें निकालना आधार तो भी वही बात आ जाती है, क्या करेंगे, बड़ी चीज क्या, कर्ण, कर्ण के स्क्वायर में से छोटी चीज क्या है हमारी, लंब, इसके स्क्वायर को घटा देंगे, ठीक है। ये चीज आपको पता चल गई। अब ये जब पता चल गई है, इसके बाद हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद देखो बच्चे, अगर आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई है तो आप थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, क्योंकि इतना समय नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और एक दिन के अंदर आपको सारे चैप्टर कराने मुमकिन नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, जो चीज समझ में नहीं आ रही दोबारा उसे रिपीट कर लेना। आगे देखते हैं, आगे एक फॉर्मूला आता है लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का ये जो कि सभी ने पढ़ा है, इसके अंदर यूज होता है साइन, ये है हमारा कॉस और ये क्या हमारा टैन, यहाँ पर होता है कॉसेक सेक और ये क्या हमारा कॉट, क्लियर। अब ये वैल्यू हमको मालूम है सभी को, एक फॉर्मेलिटी है जो कि निभानी पड़ेगी, तो फॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग देखो, साइन अगर निकालेंगे साइन थीटा इक्वल टू, मैंने साइन लिखा है, टैन लिखा है, कॉस लिखा है, थीटा वगैरह नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो यहाँ ए बी सी थीटा फाई अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिखा हो सकता है इसके आगे, ठीक है, ये वैल्यू लिखी हुई हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर केवल साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट लिखा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम अगर साइन थीटा मानते हैं इसे, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ये से देखेंगे साइन है, साइन के नीचे क्या एल अपॉन के, ठीक है, एल अपॉन के, एल मीन्स होता है लंब और के मीन्स होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण, सही है। इसी तरीके से कॉस बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला बैठता है, वो क्या बैठता है कि साइन थीटा बराबर, जो कि आपको बहुत रटे हुए होने चाहिए, एकदम दिमाग में सेट होने चाहिए, ये फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप सब कुछ कर पाएंगे, अगर नहीं आते तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। साइन थीटा को अगर हम चेंज करेंगे तो इसे लिखते हैं वन मान लेंगे इसे, और इसके नीचे क्या कॉसेक, साइन थीटा बराबर हो जाएगा वन अपॉन कॉसेक थीटा, क्लियर। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वन अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वन, ये वन हो गया, अपॉन सेक थीटा, ठीक है। और अगर हम टेन निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर हो जाता है यहां से वन अपॉन कॉट थीटा, ठीक है, वन अपॉन कॉट थीटा। यहां से हमारे बनते हैं दो फॉर्मूले टेन थीटा के, एक बनता है वन अपॉन कॉट थीटा, एक बनता है साइन अपॉन कॉस, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्लियर। इसी रूप में हम नीचे से अगर देखेंगे तो उल्टा कर देते हैं इसका, जस्ट अपोजिट हो जाता है, कॉस सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन कॉस थीटा, और यहां से कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन टेन थीटा, या फिर हो जाएगा इसको उल्टा रिवर्स में लेके चले जाएंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्लियर। यहां तक आपको आ जाता है समझ में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले फॉर्मूलों पर ध्यान देंगे, बस इसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन करने से पहले एक हमारा मेन क्वेश्चन बनता है, साइन मेन फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू तक वन, यहां से अगर हम निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला बैठता है कॉस सेक कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला बैठेगा, देखो बच्चे अब यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि टेन पहले आएगा या सेक पहले आएगा, तो ये चीज बताना चाहूंगा। जैसे लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का के अंदर लास्ट में लिखा होता है टेन और लास्ट में लिखा होता है कॉट, तो ये लास्ट वाली चीज ही हमें ध्यान देनी है। यहाँ पर क्या है साइन, ये क्या है कॉस, और यहाँ पर कितना है कॉसेक, और ये क्या है हमारा सेक, ठीक। अब हमें ये दो वैल्यू पहले फॉर्मूले के अंदर आ गई, अब इस वैल्यू के साथ में सी से स्टार्ट है सी वाले को साथ में रख लेंगे और इसको साथ में रख लेंगे, ठीक है। और बाद में लिखा है टेन और कॉट बाद में लिखा है,
तो उसको माइनस करेंगे, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो हमें फॉर्मूला बैठ जाता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगला हो जाता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाता है नेक्स्ट फॉर्मूला cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर देखना चाहेंगे cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, या फिर cot की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इन फॉर्मूलों को आप सही से याद कर लीजिए, सही से समझ लीजिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, आपको कोशिश करूंगा मैं विदाउट बुक कराऊं, लेकिन जहां जहां बुक की जरूरत पड़ेगी वहां पर बुक भी उठाई जाएगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल पहले एक नॉर्मली जनरली क्वेश्चन जैसा कि आपको दिया होगा। क्या दिया होगा, यदि क्या दिया होगा, यदि साइन थीटा बराबर, ठीक है, साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा बताइए का मान बताइए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 लिखना है। क्लियर बच्चे, अब यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। बहुत ध्यान से समझना, देखो क्वेश्चन सब करते हैं, सवाल सब करेंगे, जितने बच्चे हैं सब करके आएंगे, लेकिन टॉप कोई एक आधी आता है। टॉप वो आता है जो स्टेप बाय स्टेप सही से लेकर चलता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको सही से स्टेप बाय स्टेप बताने की, आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले हमने क्या लिखा, साइन थीटा बराबर 4/5। ठीक है, साइन थीटा बराबर 4/5। अब हमें करना क्या है, हमने यहां से एक त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। अब त्रिभुज इधर बनाए या त्रिभुज इधर बनाए, दोनों में से त्रिभुज को कहीं पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। चाहे तो मुंह इधर कर लो या मुंह इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारी जो इच्छा है जैसा मन करे वैसा करना, यहां तुम्हारा अधिकार है। क्लियर, अब अधिकार तुम्हारा जब ये थीटा आ जाता है, फाई आ जाता है, अल्फा आ जाता है, बीटा आ जाता है, या गामा आ जाता है, कुछ भी आता है, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल हमें देखना है जो चीज यहां लिखनी है उसको इस कोने पर लिखना है। क्लियर, अब इस कोने पर लिखने के बाद हमने इसका नाम कुछ भी लिख देंगे, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, कहीं से भी लिख सकते हो। क्लियर, कौन सी शर्त पर, जब हमें यहां पर दे रखा है थीटा अल्फा बीटा गामा, ऐसी कोई चीज दे रखी है। क्लियर, अब यहां ये कंडीशन होने के बाद हमने देखा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। ये लिखना नहीं है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। आपने देखा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि ऊपर क्या है लंब, ये मीन्स है लंब, नीचे क्या है कर्ण, यानी कि ये क्या है कर्ण। अब हमें पता चल गया हमें लंब ये है और कर्ण ये है। क्लियर, अब दूसरी चीज हमने बताई थी कि जहां से देखते हैं उसके सामने वाली लंब होती है, जो नीचे होता है वो आधार होता है, कर्ण कभी नहीं बदलता। ठीक, तो हमने देखा, हमें यहां से पता चला इस थीटा की वजह से लंब क्या हमारा 4 और इसके सामने लंब क्या है, तो यहां लिख देंगे 4। कर्ण क्या हमारा जो बदलता नहीं है, ये क्या हमारा 5। क्लियर, इतनी बात लिखने के बाद क्योंकि समझ में आ चुकी होगी आपको, ये लिखना नहीं है और ना ही ये गोल अंडे हमें बनाने हैं जो हमने बनाकर दिखा दिए थे। क्लियर, मैं दोबारा से लिख देता हूं इस चीज को, क्या हो जाएगा 4/5। क्लियर, अब इसके बाद हमें जो जो चीज दे रखी है वो लिख लेंगे। क्या दे रखा है, BC इज इक्वल टू दे रखा है 4, और क्या दे रखा है, AC इज इक्वल टू दे रखा है 5। हमें AB नहीं पता, हम पहले तो निकालेंगे AB, तो AB निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, अगर हमें कोई चीज बड़ी से छोटी निकालनी है तो छोटी को निकालने के लिए बताया था बड़ी में से घटा दें, तो छोटी वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर 5×25 माइनस 4×16। ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसमें घटाओगे 9, ए बी बराबर हो जाएगा √9। ए बी इज इक्वल टू किसका होता है 3 का, यानी कि हमें पता चला
ये आ जाएगा 3। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हमारा ए बी अपॉन कर्ण क्या ए सी, ए बी कितना 3 और यह 5, ये हो जाएगा आंसर फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा फर्स्ट मेथड। अगर हमें इस मेथड के अलावा दूसरा मेथड अगर निकालने की कंडीशन आए और केवल क्या दे रखा है साइन और कॉस दे रखा है तब हम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू था 1। हमें क्या निकालना था कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर इधर से स्क्वायर थीटा क्या जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें गिवन है साइन की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे 4/5 और इसका कर लेंगे स्क्वायर बराबर 1 माइनस 4 चौक 16/5 25। इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम हो गया 25 माइनस 16/25। यहाँ से जब घटाएंगे तो बचा 9/25। ठीक, बराबर ये किसका होता है 3 का और ये किसका होता है 5 का, ये हो जाएगा आंसर। आप चेक कर सकते हो 3/5 और 3/5। आप ऐसे करो या ऐसे करो, वहां पर कुछ ऐसा लिखा नहीं आएगा कि आपको इसी चीज का प्रयोग करना है। ठीक है ना, आपको वहां डिसाइड करना है, आपको देखना है कि एक नंबर का क्वेश्चन है या दो नंबर का है। आपको बेस के माध्यम से पूछा है, कैसे पूछा है, अगर साइन और कॉस ये दो वैल्यू आ रही हैं, दे रखी हैं दो वैल्यू, ये देकर ये निकालनी है और हमारा कोई फॉर्मूला ऐसा बैठ रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर यहाँ पर दिया होता सपोज कॉट दिया होता, क्या दिया होता कॉट कॉसेक दिया होता, या फिर कुछ ऐसी वैल्यू दी होती जिसको हम इन फॉर्मूलों द्वारा नहीं निकाल सकते, तब हमको चित्र बनाकर निकालना होता। ठीक है, समझ पा रहे हैं, चलिए इसी से आगे बढ़ते हुए अब थोड़ा सा इसको हम चेंजिंग इसी में करके दिखा देते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, एक ही क्वेश्चन को हम चेंज करके दिखा रहे हैं कि अगर हमें सपोज ए दिया होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा। ठीक, तब हमें क्या करना होगा, ये चीज हमें इसी क्वेश्चन के अंदर हम बता रहे हैं कि थीटा ना देकर क्या दे रहा होता ए। तो हमें भैया ध्यान रखना है कि जो चीज पूछी है, जो यहाँ ए दिया है वो यहाँ रखना है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है हमें कि जो चीज हमें दी हुई है वो यहाँ रखनी है, इसके अकॉर्डिंग सवाल करना है। तो साइन ए बराबर 4/5 हो जाएगा यहाँ और 5 हो जाएगा यहाँ, बाकी क्वेश्चन जैसा किया था बिल्कुल वही है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी चेंजिंग नहीं हो पाई। अगर हमने चेंजिंग करनी है, यहाँ सपोज दे दिया बी, क्या दे दिया यहाँ बी, तब हमें क्या करना होगा कि इस जगह पर बी लिखना है, इस जगह पे लिखना बी, ए चाहे यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो। ठीक है, आप लोगों को समझा रहा हूँ, करना आपका काम है, समझा रहा हूं। बी हुआ तो बी करने पर हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है, क्लियर। अगर यहां सपोज सी दे रखा है तो हमें क्या करना है, आपको कमेंट के अंदर बता देंगे, मुझे लिख देंगे कि हाँ आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, सी लिखेंगे तो हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि यहां सी लिखना, चाहे यहां पर बी लिख दो चाहे यहां बी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कंडीशन तो हो गई है। दूसरी कंडीशन कि अगर सपोज तुमको इसके अंदर दे रखा है कहीं पर कि एंगल बी बराबर 90 डिग्री है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री है, तो हमें ए जो यहाँ लिखा है ए नहीं लिखना, 90 डिग्री पर बी ही लिखना है। ठीक है, ए को लिखना है यहाँ पर, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, अगर बी को 90 दे रखा है 90 शब्द देगा या देगा समकोण, क्या देगा समकोण, यदि बी समकोण है। ठीक है, तो अगर संपूर्ण शब्द दे रखा है, जिस को संपूर्ण दे रखा है वही चीज यहाँ लिखनी है, उसके अलावा जो हमको वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू के आगे जो लिखा है उसको यहाँ लिखना है। क्लियर, सवाल आपका सही हो जाएगा। अगर आपने यहाँ की जगह यहाँ लिख रखा है तो आपको ये वैल्यू थोड़ी चेंज करनी होगी, अगर सपोज ये सी यहाँ की जगह आपने गलती से यहाँ लिख दिया है और आप उसमें कटिंग नहीं करना चाह रहे सवाल में, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना होगा, थोड़ी अपनी गर्दन टेढ़ी करके देखनी है और कुछ नहीं देखना, आपको यहाँ की जगह अपने आप को यहाँ ना खड़े होकर देखकर यहाँ खड़े होकर देखना है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, जब यहाँ खड़ा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो चीज चेंज हो जाएगी। इसके सामने लंब है, लंब कितना हमारा 4, कर्ण है 5, अब 3 जो आई वैल्यू वो ये आएगी।
क्लियर, केवल ये चेंजिंग है, इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं है। अब मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो इस पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको दो क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे कि आप जो है समझ जाएंगे। जो आपके दिमाग में थोड़ी सी निगेटिविटी चीज चल रही है वो चीज़ उन दो क्वेश्चनों से बिल्कुल सुधर जाएगी। कौन कौन से हैं दो क्वेश्चन? एक होता है कि जिसके बटे में कुछ भी ना लिखा हो और आ जाता है रूट के अंदर, क्योंकि बच्चा रूट से बहुत घबराता है, मुझे पता है। तो रूट वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। एक दे रखा है क्वेश्चन, यदि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है, देख लेंगे। यदि टेन बी, और जैसा कि मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा, तो हमें बताना है साइन बी तथा बताना है साथ में कॉस बी, ठीक है ना? ये चीज बतानी है, ज्ञात कीजिए। तब हमें करना क्या है, हमने सबसे पहले उतारा टेन बी इज इक्वल टू रूट थ्री और हमने बनाया एक चित्र, और इस चित्र के अंदर देखो भाई लिखा बी, तो हमें बी कहाँ लिखना है? यहाँ। ए बी कहीं पर भी लिख दो क्योंकि हमें 90 डिग्री का कोई भी जिक्र नहीं है, तो ए चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद करना क्या है, टेन बी बराबर होता है फॉर्मूला लंब बटे आधार। लंब हमें ये दे रखा है लेकिन नीचे कुछ आधार नहीं दे रखा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक लिख लेते, ठीक है। तो जब एक लिख लेंगे तो टेन बी बराबर, इसके सामने लंब है ये रूट थ्री अपॉन आधार है एक, ठीक। ये कंडीशन होने के बाद अब हम लिखेंगे ए बी बराबर कितना दे रखा अपन, और ए सी बराबर दे रखा है रूट तीन, ठीक। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, बी सी बराबर फाइंड करना। एक चीज मैं अपने पास से बढ़ा दे रहा हूँ जिससे कि इसी के अंदर आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर हमें ये निकलवाने लगे कि साइन सी बराबर भी फाइन की, ठीक है, तब क्या होगा? देखिए बच्चे, बी सी हम पहले निकालेंगे, पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना, बड़ी चीज निकालनी है, तो बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना हमारे पास, वन का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर। एक चीज और कहूंगा आप लोगों को, जैसा कि सब कुछ बताता चल रहा हूँ, ए बी की वैल्यू वन है तो ए बी ही वन लिखोगे यहाँ पर। अगर आपको दिखाई दे रहा है रूट तीन और एक है, आपने इस जगह पर ए बी लिखा और यहाँ रूट तीन का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर एक का स्क्वायर लिख दिया, ऐसे मत करना, क्योंकि जिसकी वैल्यू जो है उसी के नीचे वन लिख के चलोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर वन का स्क्वायर वन प्लस रूट तीन का स्क्वायर तीन, बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा चार और बी सी बराबर हो जाएगा तो रूट चार, ठीक। अब यहाँ से बी सी बराबर हो जाएगा दो, कितना हो जाएगा दो, ये वैल्यू आ गई। अब हम साइन बी निकाल सकते हैं, तो साइन बी बराबर कितना हो जाएगा, साइन बी बराबर फॉर्मूला कितना होता है, लंब बटे कर्ण, बी के तरफ से लंब और कर्ण, क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। देखो बच्चे, एक चीज और बताने को चाहता हूं मैं यहाँ पर, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमें बी भी निकालना और सी भी निकालना, दो चीजें निकालनी है, तो वो दो चीजें निकालते समय हम यहाँ ये चीज नहीं लिखेंगे, बहुत से बच्चे क्या लिखते हैं, एल अपॉन के लिख देते हैं, ठीक है, एल अपॉन के नहीं लिखना वो, क्यों, क्योंकि ये लंब और कर्ण आपस में बदलते रहेंगे, उनके नाम लिखने हैं कि इस बी के अकॉर्डिंग लंब कौन है और सी के अकॉर्डिंग लंब कौन है। तो इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, बी के अकॉर्डिंग लंब कौन है, देखो बी की तरफ से देखोगे लंब है ए सी, क्या है ए सी अपॉन कर्ण, क्या है इसके अकॉर्डिंग बी सी, ठीक, बराबर ए सी कितना है रूट थ्री अपॉन टू, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, कॉस बी, तो कॉस बी की तरफ से देखेंगे आधार कितना है बी की तरफ से, ये है, तो इसका मतलब ए बी अपॉन कर्ण कितना है बी सी बराबर एक बटे दो। अब हमें देखना है साइन सी निकालना है, तो बस जहां ये चीज देखी हमने कि सी निकालना है, इसके अकॉर्डिंग आते के साथ हम अपने रुख को चेंज कर लेंगे, हम अपनी जगह यहां से बदलकर यहां देखेंगे। इधर से अगर देखते हैं तो यहां से लंब ये हो जाता है और कर्ण ये है आधार ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस साइन की तरफ से लंब कितना हो गया ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, बराबर लंब कितना एक और बटे में दो, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन के बाद ये आपको एक सवाल समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर इसके बाद आपका ये टाइप खत्म, फिर आपकी जो अगले 5 मिनट में जो क्वेश्चंस बताने वाला हूं मैं, उन क्वेश्चंस के अंदर से आपको कम एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा,
ध्यान से देखना इस चीज को, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आते रहते हैं ये क्वेश्चन हर साल हर पेपर में आते हैं, टकराते हैं, इसलिए आप उस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखें, ठीक है। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ एक और क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन क्या है देखिए, एक क्वेश्चन का तो हिंट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है 3 sin A = 4 cos A, इसका हिंट दे रहा हूँ केवल। तब क्या होगा, हमें देखो साइन ए रखेंगे यहाँ, कॉस ए है इसको, इसके बटे में ले जाओ बराबर 4 ऐसे लिखोगे और 3 इसके बटे में ले जाओगे, साइन अपॉन कॉस होता है 10, 10 ए बराबर दे रखा है 4/3। अब तुम्हारा वो क्वेश्चन बन गया जिस तरीके से मैंने बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, इससे आगे आप खुद सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप खुद सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो एक मिनट अभी देख रहा हूँ, देखिए बच्चे ये क्वेश्चन है, इसे जरा ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके है ना सारे के सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ठीक है। दे रखा है हमको tan a इज इक्वल टू 1/√3 और दे रखा है हमको tan b इज इक्वल टू दे रखा है 3, ठीक है। तो हमको लिखा है उसने दिखाइए, दिखाइए का मतलब प्रूफ करना है, क्या करना है हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है कि sin a और sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b बराबर 1, ये हमको प्रूफ करना, ठीक है। अब देखो बच्चे इसमें दो चीजें दे रखी हैं, tan a भी दे रखा है, tan b भी दे रखा है। तब ये जब दो चीजें दे रखी हैं, पहले हम इसको पकड़ लेंगे tan a और इसके अकॉर्डिंग हम चित्र बनाएंगे, चित्र के अंदर क्या लिखा है a, तो a लिखा है तो यहाँ a लिखेंगे, बाकी b और c कहीं पर डाल, ठीक है। ये मत करने बैठ जाना, ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है क्वेश्चन, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये मत करते कर लेना कि आपने ए यहाँ लिखा और बी यहाँ लिख दिया, बी लिखने के बाद आपने सोचा कि ए की तरफ से तो ये चित्र बन गया और बी को भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दो, इसके अंदर दो अलग अलग चित्र बनेंगे, सबसे मेन चीज ये है, ये इसे अलग कर दिए सवाल को, ठीक है ना। तो क्या बनता है यहाँ से, ए के अकॉर्डिंग आपने चित्र बताया तो क्या बनेगा, लंब बटे आधा। अब हमें टोटल तरीका वही है, ए बी बराबर √3। अब देखो बच्चों मैं पहले आपको समझा चुका हूँ टोटल की किस तरीके से काम करना है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब मैं शुरुआत वाले सवाल कराया करूँ उसे तमीज से देखना, और तमीज से देखने के बाद उसको तरीका समझ लेना कि किस तरीके से करना है आगे, क्योंकि समय कम है, मैं जल्दी जल्दी सवाल करूंगा, वो आपको उसके अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए खुद चलना, ठीक है। कहीं पर मैं अगर डंडा खींच देता हूँ तो समझ लेना, क्योंकि मुझे मेरे पास भी समय नहीं, आपके पास भी समय नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर ये तो पॉसिबल है नहीं कि जो एक साल का कोर्स है वो पूरा का पूरा एक दिन के अंदर करा पाऊँ, वो एक दिन में तभी हो पाएगा जब आप मेरा साथ दो और दिमाग से पढ़ रहे हो, ठीक है। सब चीज़ें भूल कर केवल यही पढ़ना, केवल इस पर ध्यान देना, सब कुछ समझ में आएगा, अगर तुम्हारा ध्यान कहीं और है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, हमें ए बी बराबर ये दे रखा है और बी सी बराबर दे रखा है 1, तो हमें क्या निकालना है, AC बराबर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, लाइन का मतलब क्या, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या लिखना है हमें, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB कितना है हमारे पास, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, और AC बराबर हो जाएगा √4 बराबर 2। और अगर मेरी स्पीड तेज लग रही है तो आपके पास इसको सही से समझने के लिए एक ऑप्शन है, आप इसे बार बार पीछे करके हल्के हल्के आप समझ सकते हो, मेरे पास समय नहीं है, अगर तुम मेरे सामने बैठे होते तो फिर मैं कितनी भी हल्के आपको समझा सकता था, ठीक है ना। तो आपके पास भी ऑप्शन है, आप इसको दोबारा से देख सकते हो, ठीक
ये चीज आ गई, एसी बराबर कितना आ गया हमारे पास, दो। अब देखो बच्चे ऐसे ए के अकॉर्डिंग, हमने ए के अकॉर्डिंग चित्र बनाया है तो हमें जो प्रूफ के अंदर चाहिए, ए ए कहाँ नजर आ रहा, एक ए ये नजर आ रहा, एक ए ये नजर आ रहा, तो इस ए वाली लाइन से हमें इन दोनों के वैल्यू फाइंड करनी होगी इस चित्र से। कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले हम लिखेंगे साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हमारा बी सी अपॉन ए सी, बी सी कितना एक बटे दो। अब क्या है दूसरा निकालना हमें, कॉस ए, कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा आधार, यानी कि ए बी अपॉन ए सी बराबर ए बी है रूट थ्री अपॉन दो, ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब इसके बाद हमने उतारा ये दूसरा वाला पोर्शन, ये क्या दे रखा है टेन बी, टेन बी बराबर दे रखा है रूट तीन, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जिसके नीचे कुछ नहीं हुआ एक लिख लेते हैं नीचे। हमने क्या बनाया, एक चित्र और बनाया, इसके अंदर यहाँ बी लिखा है तो बी कहाँ लिखेंगे, आप समझदार हैं सब समझ चुके हैं सर, बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। टेन बी बराबर कितना होता है, लंब बटे आधा। ठीक, अब ये सारी चीज जो है वो नहीं लिख कर दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट ये काम कर रहा हूँ मैं, क्या चीज हो जाएगी, ए सी बराबर, ए सी निकालना है तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस रूट तीन का स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा वन प्लस तीन, और ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा चार, ए सी बराबर हो जाएगा रूट चार बराबर हो गया दो, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। जब ये भी दो आ गया, अब बी के अकॉर्डिंग हमें निकालना है, तो बी यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है उसमें बी कहाँ नजर आ रहा, साइन बी और कॉस बी, हम निकालेंगे पहले साइन बी, साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, कॉस बी बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ये वैल्यू हमें आ गई। अब इसे आने के बाद हमें क्या करना था, इसे प्रूफ करना था, तो प्रूफ करते समय जब बराबर का साइन होता है, बराबर का साइन ये कहता है कि कोई भी चीज बराबर तब होगी जब उनकी वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे सपोज आप लोगों से ये कहा जाए कि एक तुम्हारा दोस्त था, वो एक लाल मार्कर ले आया 25 रुपए का, और तुम्हारे पास है काला मार्कर 25 रुपए का, दोनों एक ही दिन लेकर आए हो, दोनों 25-25 रुपए के हो, 25 रुपए के दोनों वैल्यू है, और अगर तुम्हें लाल मार्कर चाहिए उसको काला चाहिए, दोनों आपस में बिना निसंकोच एक्सचेंज कर सकते हो कि भैया ले मुझे इसकी जरूरत है तुझे इसकी जरूरत है, दुकानदार तो बदलेगा नहीं, मेरा तू ले ले तेरा मैं ले लेता हूँ, तो 25-25 रुपए में बराबर थे इसलिए दोनों ने आपस में बदल लिया। लेकिन अगर यही क्या होता, एक होता 50 का और एक होता 25 का, क्या बदल पाते, नहीं कभी नहीं बदलते, चाहे तुम्हारा मिसयूज होता। ठीक, तो बराबर जो चीज़ होती है, बराबर का मतलब होता है कि दोनों चीजें आपस में इक्वल, तो बराबर के साइन के इधर की चीज को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, उधर बोलते हैं राइट हैंड साइड, तो हम क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरा का पूरा लिख लेंगे, क्या लिखा है हमारे पास, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये लिख लिया, इसकी वैल्यू उठाकर रख देंगे, कहाँ कहाँ से आई वैल्यू, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस बी की वैल्यू कितनी आई, कॉस बी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 और इंटू ये भी वैल्यू कितनी है √3/2, ऊपर ऊपर की गुणा करोगे, एक ही कम एक, दो दुनी चार, प्लस √3 की √3 से हो गई 3/2 = 4, एलसीएम लेंगे इसका 4, ऊपर हो जाएगा 1+3 बराबर कितना हो गया 4/4, 4 * 4 = 1, यही हमको चाहिए था, ये क्या हो गया हमारा RHS, ये हमारा प्रूफ हो जाता है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन चल रहे हैं आपको बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं हर पेपर में, कोई भी सेट उठाकर देखना, हर सेट के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, बहुत ध्यान से देखना बच्चे, क्योंकि अभी ये चीज खत्म हो चुकी है, ट्रिग्नोमेट्री आपके आगे बढ़ती जा रही है, और इसके साथ साथ आप एक काम और करना, जितने फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूलों को एक जगह लिख लेना और एक जगह नोट करके उन्हें रोजाना के रोजाना याद करते हुए चलना, ठीक है, ओके। चलिए, तो क्वेश्चन आपका आता है, जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर टेन थीटा बराबर दे रखा है 4/3, तो हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है हमको 2 sin θ - 3 cos θ / 2 sin θ + 3 cos θ = -1/17, ये हमको प्रूफ करना है।
इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे करने, सबसे पहले हमें इसका चित्र बनाना है। देखो इतना क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने समझाया वैसे करेंगे, मैं शॉर्ट करता हुआ चल रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। तो टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा लिखने के बाद क्या बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे, चित्र में थीटा यहाँ दे रखा है, थीटा यहाँ लिख देंगे, ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी लिख देंगे, कहीं पर भी। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब हमें निकालना क्या है, ए सी। तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर रूट ए बी कितना है, तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर, तीन दिया नौ, चार चौक सोलह बराबर पच्चीस, और पच्चीस किसका होता है, पांच का, हमें मिल गया पांच। इतना काम हमें सही से करना है, जिस तरीके से मैंने अभी पहले सवाल कराए हैं उसी तरीके से पूरे सीरियल से सही से, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या करना है हमें, ये जो हमें प्रूफ करना है इसके अंदर क्या क्या चीज गिवन है उनको निकालना है, साइन है और कॉस है, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। फिर निकालेंगे कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यह आ जाएगा साइन और कॉस। प्रूफ करना है ये तो एलएचएस ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलएचएस। एलएचएस बराबर कितनी है हमारे पास, टू साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा अपॉन टू साइन थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा, ठीक है। 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 4 बटे 5 और माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 5 अपॉन 2 इंटू 4 अपॉन 5 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 5, क्लियर। अब यहाँ अगर कुछ कट रहा होता है ऊपर नीचे तो काट लेते हैं, अगर नहीं कटता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर की गुणा कर लेते हैं, नीचे नीचे की गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर ऊपर की गुणा हो रही कितनी हो जाएगी, 4 दुनी 8 बटे 5 माइनस ये हो जाएगी 3 दुनी 9 बटे 5 अपॉन ये हो जाएगा 8 बटे 5 और प्लस 9 बटे 5, क्लियर। अब इसके बाद बच्चे एक चीज और, यहाँ से हमने देखो जगह नहीं थी तो आगे लिखा, नीचे नहीं था तो आगे लिखा, जब आगे लगाते हैं तो ये भी चीज हर कोई नहीं बताता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब आगे लगाते हैं बराबर का साइन नहीं लगाते, अगली स्टेप अगर करते हैं तो उस जगह ये लगाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये अगली स्टेप का क्वेश्चन, अगली स्टेप है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में 5 ऊपर हो जाएगा 8 माइनस 9 अपॉन यहाँ से जाएगा 8 प्लस 9 अपॉन 5, 5 से 5 कट जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस 1 अपॉन 17 और ये क्या हमारी आरएचएस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे दे रखा है हमको, टेन थीटा इज इक्वल टू 24 बटे 7, कितना दे रखा है 24 बटे 7। तो हमें प्रूफ करना, प्रूफ पी का मतलब प्रूफ समझना, प्रूफ करना हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17 अपॉन 31, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे हम, वही चीज चित्र बनाएंगे, चित्र बनाकर ये क्या हमारा थीटा, ये क्या हो जाएगा ए बी सी, साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक। अब ये निकालेंगे ए सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर, आप लोग जो सामने बैठे हैं बोल सकते हो, ए सी स्क्वायर बराबर कितना, ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना, 576, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 625, बराबर हो गया हमारे पास 25, कितना हो जाएगा ये 25। जब ये 25 आ गया तो ये क्या है 25, ये वैल्यू आ गई 25। जब 25 आ गई तो 25 आने के बाद अब हमें साइन और कॉस हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले निकाल लेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ से 24 बटे 25 और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा फॉर्मूला 7/25, समझ पा रहे हैं आप सभी के सभी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना की जो वीडियो बन रही है उसके अकॉर्डिंग कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है सर, ओके, बस इतना हो, ठीक है। लेकिन जवाब मुझे दे सकते हो आप, क्योंकि ये भी समझ चुके हैं सब कुछ बच्चे, जो भी है आप देखें और इंजॉय लीजिए इसका और समझिए थोड़ा, ठीक है। ये साइन है कॉस है, ठीक, साइन और कॉस दोनों के दोनों आ गए। अब हम क्या ले लेंगे, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस कितना है हमारे पास, एलएचएस है कितना, एलएचएस कितनी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी 24 बटे 25 और माइनस ये वैल्यू दे रखी है 7/25 और अपॉन में यहाँ भी दे रखी है 24/25 और प्लस 7/25, ठीक है। इसके बाद का यहाँ लिख देते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 25,
ऊपर हो जाएगा 24 माइनस 7 और नीचे फिर एलसीएम आएगा 25, ऊपर हो जाएगा 24 प्लस 7, ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा बराबर, इसमें से घटाओगे बचेगा 17 और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे हो जाएगा 31 और ये हो जाएगी तुम्हारी 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो वो कमेंट करके बता देगा, मैं दोबारा से उसको समझा दूंगा जैसे भी समझाऊंगा, ठीक है, वो मेरा हेडेक है। अब तुम्हें वीडियो बना के समझाऊं, व्हाट्सएप पे समझाऊं, चाहे तुम्हें उस कमेंट बॉक्स में ही पूरा कमेंट करके फोटो खींच के सेंड कर दूं, वो मेरा हेडेक है। ठीक है, फिलहाल आपका काम है, जो नहीं आ रहा वो पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आ जाता है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि tan A इक्वल्स टू दे रखा है 1 और tan B इज इक्वल टू दे रखा है √3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मान निकालना। अब यहाँ पर क्या निकालना, मान निकालना, मान निकालने का मतलब फाइंड करना है, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात किसका करना है कि cos A cos B माइनस sin A sin B। ठीक, हिंट दे रहा हूँ केवल, करना आपको अपने आप। क्या करना है, जैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, tan A दे रखा है, tan B दे रखा है, दो चीज दे रखी है। पहले हम tan A से चित्र बनाएंगे, उसे बनाने के बाद A वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, sin A और cos A। A वाले चित्र से sin A cos A की वैल्यू निकालोगे, B वाला चित्र बनाओगे, फिर B और B की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों वैल्यू निकालने के बाद इसके अंदर पुट कर दोगे, उसे सॉल्व कर लोगे, आंसर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 नंबर पर है इस किताब के अंदर, दे रखा हमको, अच्छा क्वेश्चन है, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2 और हमको मान ज्ञात करना है इसके अंदर। याद कीजिए, ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना, ज्ञात करना है हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर ये निकालना है। ठीक है, ओके, देखें बच्चे, अब हमें जब इसको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ स्क्वायर गिवन है, यहाँ स्क्वायर गिवन है, ठीक है, जब ये दोनों स्क्वायर गिवन है तब इस वाली वैल्यू को, बच्चे जरा ध्यान से देखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए जरा ध्यान से। ये चीज गिवन है, स्क्वायर निकालना। अब बच्चे बहुत सी बार क्या करते हैं, इस पर यहाँ पर ऐसे कर जाते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2 का स्क्वायर, यानी कि क्या कर जाएंगे, 4 आंसर। ठीक है, ये बेवकूफी नहीं करनी, आपको क्या करना है, आपको सीधा सा क्वेश्चन उठाना है। क्वेश्चन क्या हमारा, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, क्लियर, नौ चीज उठाई। अब इसे उठाने के बाद हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना है, यानी कि दोनों तरफ वर्क करना है, हिंदी में बोले तो दोनों ओर वर्क करने का, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर इन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे, ना कि इनका ऐसे ही स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और साथ में b बराबर 2 का स्क्वायर 4। ये हमें फाइंड करना है, देखो इसको तो ऐसा कैसे हमने लिखा रहने दिया, 2 into tan थीटा ऐसे लिखा रहने दिया, cot थीटा बराबर फॉर्मूला लाल बटे कक्का में हमने बताया था, एक क्या होता है 1 upon tan थीटा बराबर 4। ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 4, यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, दो उधर गया माइनस कर दो, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसमें से घटाओगे 2, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चे, क्वेश्चन है 3
cot a equals to 8, ठीक है। तो हमें यहां से फाइंड करना है साइन ए बराबर फाइंड करना है और फाइंड करना है sec ए बराबर फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, 3 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर हो जाएगा 8/3। चित्र बनाएंगे, चित्र बनाकर a लिखा है यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे a, b और c कहीं पर। cot theta बराबर क्या होता, आधार बटे लंब, तो आधार कितना 8 और लंब कितना 3। हमें क्या निकालना पहले, ac बराबर हो जाएगा रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, ए बी कितना हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 8/64 प्लस 9/88 वो 3 3 9 कितना हो जाएगा ये टोटल, गलत तो नहीं कर रहा हूँ सबसे, ये ना ठीक उतारा, गलत कर दिया है, हाँ ये 4 था बच्चे। थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है इसलिए पता चल गया यहीं पर, ना तो सवाल होने के बाद होता। 4 × 16 ये कितना हो गया 25 बराबर कितना हो गया 5। ए सी बराबर कितना हो जाएगा 5 5, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गए 5। क्या निकालना है हमें, साइन ए, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा लंब यानी कि बी सी अपॉन ए सी बराबर कितना हो गया 3/5। और क्या निकालना है sec, तो sec ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कर्ण बटे आधार ए बी बराबर कर्ण कितना 5/4 और ये जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ रहे हैं, इसे करने से पहले आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी कि किसके अंदर कितना डिग्री का कोण कितना होता है, ठीक है। उसके लिए आपको बनाने की बहुत सिंपल सी एक अच्छी सी तरीका बता रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई भी टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस पर इसे एक बार समझ जाते हैं तो। वैसे तो याद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहती है तो आप वहीं पर एग्जाम के अंदर बैठे बैठे टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर होगा थीटा, ठीक, इधर ये हो जाएगा हमारा एक लाइन साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक, और यहाँ से आ जाएगा ये, यहाँ से आएगा 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree और 90 degree, ठीक है। जिसे नहीं आती है वो ध्यान से देखे, जिसे आती है अच्छी बात है। देख लीजिए भैया, 1 2 3 4 5 कितने हैं 5 नंबर। आपको करना क्या है, जीरो से लेकर जीरो से बढ़ते हुए 5 तक अंक लिखना है, ठीक है। लिखेंगे 0 1 2 3 4 लिख लिया। इसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर है इससे सबको भाग दे देंगे, सबको भाग दे दे, जो कट रहा काट लो, 2 × 2 = 2 × 4 1, सही है। अब इनके ऊपर सब के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है, जीरो अपॉन कुछ भी हो उसकी वैल्यू होती है 0 और 0 का स्क्वायर 0, तो हमें यहां से मिलता है 0, यहां से 1 का स्क्वायर होता है 1 और रूट 4 का मतलब होता है 2, 1 ये रूट निकलेगा नहीं 2 से तो रूट 2, रूट 3 से निकले 3 रूट से निकलेगा नहीं, 4 निकल आएगा 2 के रूप में और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। ये जो वैल्यू आई हमारी ये होती है हमारी साइन की वैल्यू, उठा के रख दो, ये क्या है 0, ये कितना 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 और ये 1, क्लियर। कॉस इसका उल्टा होता है, जो वैल्यू यहाँ पर है उसे यहाँ लिख दो, ये वैल्यू यहाँ लिख दो √3/2 1/√2
इधर आ जाएगा जीरो। अब आती है टेन की बारी। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम साइन वाले के ऊपर अपॉन में ही लिखते चलेंगे, जीरो बटे एक बराबर जीरो, जीरो अपॉन एक बराबर जीरो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जीरो। यहाँ पर क्या है वन अपॉन टू, अपॉन में क्या आएगा रूट थ्री अपॉन टू, टू से टू कट जाएगा बराबर हो गया वन अपॉन रूट। कितना हो जाएगा वन अपॉन रूट। यहाँ से देखो रूट टू से रूट टू कटेगा क्या बचेगा वन, टू से टू कट जाएगा क्या बचा रूट थ्री। ठीक है देखो बच्चे जीरो अपॉन वन होता है इसका मतलब होता है जीरो, और अगर वन अपॉन जीरो है इसका मतलब होता है इन्फिनिटी। ठीक है अगर वन अपॉन या कोई संख्या है उसके बटे में जीरो है तो उसका मतलब क्या था इन्फिनिटी, तो इसकी जगह क्या जाएगा इन्फिनिटी। ठीक कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ, ये वन ऐसे ही और ये जाएगा वन अपॉन रूट थ्री और जीरो आ जाएगा यहाँ। क्लियर। इसके बाद अब आती है सेक की बारी। तो जैसे कि हमने फॉर्मूले आपको लाल बटे कक्का बताया था उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सेक बराबर होता है फॉर्मूला सेक थीटा बराबर वन अपॉन कॉस थीटा, यानी कि कॉस की जो भी वैल्यू है उसको पलट कर लिख दो वो हमारी किसकी वैल्यू जाएगी सेक की। तो इसे पलट के लिखोगे वन अपॉन वन बराबर वन, इसे पलट दो कितना हो जाएगा टू अपॉन रूट, इसे पलटोगे तो क्या हो जाएगा रूट टू, इसे पलटोगे तो दो, और इसे जब पलटोगे तो क्या हो जाएगा देखो वन अपॉन जीरो, तो वन अपॉन जीरो का मतलब हो गया इन्फिनिटी। कॉसेक इसका उल्टा होता है, यह आ जाएगा इन्फिनिटी दो रूट टू दो बटे रूट तीन और यह आ जाएगा वन। क्लियर। इस तरीके से आपको पूरी की पूरी टेबल ड्रॉ हो गई। अगर आपको वैल्यू याद है तो अच्छी बात, नहीं है तो आप एग्जाम के अंदर कहीं भी एक छोटे से पार्ट पर ये चीज बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट अब आते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। वो बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं देखते हैं, जल्दी से खत्म हो जाएगा, पांच मिनट के अंदर ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, देख लेते हैं। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या हो रहा है, ये रखा है क्वेश्चन टू टेन थर्टी अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थर्टी, बहुत आता है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे काफी आता है। क्या करना है हमें टू टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है बस उसको यहां पर पुट करना है, क्या होती है टेन थर्टी की वैल्यू वन अपॉन टू थ्री रूट थ्री। ठीक है वन प्लस वन अपॉन रूट थ्री और इसका स्क्वायर, दो इकम दो बटे रूट तीन, वन प्लस वन का स्क्वायर वन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, टू अपॉन रूट थ्री ऐसे ही रहा, यहां से एलसीएम ले लेंगे तीन, तीन इकम तीन प्लस एक क्या हो जाएगा यहां से दो बटे रूट तीन, कितना हो गया चार बटे तीन। ठीक है जब ऐसी कंडीशन आती है पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथे की पहले से गुणा हो जाती है दूसरे की तीसरे से गुणा हो जाती है, तो क्या करेंगे दो गुणा तीन बटे रूट तीन गुणा चार, दो दुनी चार। सही है अब हम अगर ऐसी कंडीशन दे रखी होती है तो नीचे रूट में आंसर नहीं छोड़ते, रूट में अगर कोई वैल्यू नीचे आ रही है तो उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट के अंदर क्या आ रही है वैल्यू रूट तीन, तो हम रूट तीन से ऊपर और रूट तीन से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे अपने पास से रूट तीन से ऊपर और रूट तीन से नीचे, ऊपर हो जाएगा तीन की रूट तीन से हो गई थ्री रूट थ्री, रूट थ्री की रूट थ्री से हो गई थ्री और ये क्या है दो, इससे ये कट जाएगा बराबर आंसर हो गया रूट थ्री अपॉन टू और ये जाएगा इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, आप करेंगे और अगर हो जाता है अच्छी बात, अगर नहीं होता है आपसे तो आप मुझे बता देंगे कि नहीं हुआ, और अगर हो जाता है तो आप कम से कम ये लिख देना कि हाँ सर जी हो गया। ठीक है इसका वैल्यू आपको फाइंड करके हमें बता दें। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए दे रहा हूँ, आपको घर से ही करना है और यहाँ पर मुझे बताना है। ठीक है ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ तो ये आंखों ही आंखों में कर सकता हूँ, लेकिन आप में और मुझ में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। 10:45 की वैल्यू होती है 1, 1 - 1 बराबर हो गया 0। जब ऊपर 0 नजर आ रहा है, नीचे क्या है हमारा 1, और ये 1 है, 1 और 1 कितना हो गया 2, 0/2। 0/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.2 इज इक्वल टू 0 के बटे में कुछ भी, उसका मतलब क्या होता है 0। तो आंसर क्या आएगा इसका 0। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बताना है। चौथे का फर्स्ट वीडियो बना रहा हूं, बाद में करूं। ये है हमारे पास 2 tan² 45 प्लस cos² 30 और माइनस sin² 60। ठीक है, ये हमको दे रखा है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, ऐसी वैल्यू, देखो क्वेश्चन जरूर आएगा इस टाइप का, एक क्वेश्चन आए एक नंबर का ही आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ना आए। थीटा अगर हमें दिया हुआ है तो थीटा के मान हमें याद रखने बहुत जरूरी है, और आंसर जरूर आपका बिल्कुल सटीक आएगा अगर आप यानी कि इस पर ध्यान दोगे। तो क्या करना है हमें, 2 × 10^45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और इसका स्क्वायर। माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और इसका स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2, 2 = 4, √3 का स्क्वायर 3, 3। देखो बच्चे 2 × 4, सही, ये तो हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर आप यहीं पर इसको भी काट सकते थे, क्योंकि देखो √3/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस कट जाएगा। ठीक है, आप चाहें वहां भी कर सकते थे, ये काट कर मैंने दिखा दिया आपको। अगर इजी करना है ये स्टेप ना लिखकर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि केवल इतना किया और ये 2 * 2 आंसर, या फिर 2 आंसर। ठीक है, इतना कर सकते थे, और अगर ऐसे नहीं करना है तो आप इसको खोल कर फिर काट लेंगे, फिर कर देंगे। ठीक है, दोनों तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकेंड दे रखा है। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है cos 45 / sec 30 प्लस cosec 30। क्या है cosec 30, देखते हैं भैया। cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, √2। sec 30 की वैल्यू √2 होती है, नहीं सर, 2/√2, 2/√3, और प्लस cosec ये हो जाती है √3, √3 होती है ना, cosec 30 की वैल्यू। यहां से कितना हो जाएगा आपका 1/√2, अपॉन यहां से एलसीएम ले लेंगे √3, ऊपर जाएगा 2 प्लस इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2√3, पहले की लास्ट से मल्टीप्लाई होती है तो कितना हो जाएगा √3 की 1 से हो गई √3, अपॉन यहां हो जाएगा √2 और ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3, ये हो जाएगा हमारा √3 अपॉन, अंदर अगर मल्टीप्लाई करें इसकी, देखो आंसर यहाँ पर भी दे सकता है, पर वैसे तो आंसर यही होगा, आई थिंक सो आंसर यही गिवन होगा, जो भी होगा। ठीक है, यही छोड़ के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है sin 30° और प्लस tan 45° माइनस cosec 60° अपॉन sec 30° प्लस cos 60° प्लस cot 45°। क्या करेंगे आप, sin 30 की वैल्यू 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60 की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3, सही है, और प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 और प्लस 1, इसका एलसीएम ले लेंगे ऊपर, ऊपर एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3, 2 से
दो कटा रूट तीन की एक से गुणा हो गई रूट तीन प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं। जब कुछ नहीं होता तब इस पूरे की मल्टीप्लाई से होगी, तो इसके पूरे की मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा टू रूट थ्री, कितना हो जाएगा टू रूट थ्री माइनस रूट तीन से रूट तीन कटा दो की मल्टीप्लाई हो जाएगी दो दूनी चार बटे यहाँ पर एलसीएम आएगा तो रूट तीन, ठीक है तीन से रूट तीन से रूट तीन कट गया दो की दो से गुणा होगी दो दूनी चार प्लस दो से दो कटा रूट तीन के ऊपर गुणा हो जाएगी रूट तीन और प्लस इसकी पूरे की मल्टीप्लाई एक से हो जाएगी दो रूट रूट तीन तीन, ठीक है इसे ये कट जाएगा क्लियर। अब बच्चे देखो दो रूट तीन और रूट तीन कितना हो गया दो रे तीन, यानी कि क्या हो जाएगा तीन रूट थ्री माइनस फोर अपॉन यहाँ पर दो रूट तीन और रूट तीन कितना हो गया तीन रूट तीन और प्लस चार, ठीक है या तो आंसर आ रहा होगा यहाँ, ठीक है। और हमने जैसा कि आपको बताया कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर नीचे रूट होगा तो, ठीक है तो रूट के अंदर वैल्यू नहीं छोड़ते, आंसर रूट में नहीं छोड़ते। यहाँ इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि देखो अगर हम रूट में छोड़ते तब भी रूट बना का बना रहता, रूट नहीं जाता, ठीक है ना। यहाँ एक अलग कंडीशन थी, यहाँ एक अलग कंडीशन, यहाँ से रूट को हम गायब कर सकते हैं। अब रूट को गायब करने के लिए हम क्या कर लेंगे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और कंजुगेट क्या होता है जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसी से ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है थ्री रूट थ्री और फोर, थ्री रूट थ्री और फोर, बस इतना काम करना होता है। जो साइन है उसको बदल के लिखना होता है, साइन अगर यहाँ प्लस का है तो माइनस से करना, अगर माइनस होता प्लस तो प्लस से करना, ठीक है। ऊपर हमेशा ऐसी कंडीशन में ऊपर की तरफ होल स्क्वायर बन रहा होगा और नीचे बैठ रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ऊपर देखो रूट थ्री माइनस फोर, थ्री रूट थ्री माइनस फोर बैठा है एक जैसा इसका होल स्क्वायर, और नीचे थ्री रूट थ्री का स्क्वायर माइनस चार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बैठा एक बार प्लस एक बार माइनस वाला। कौन सा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला बैठ रहा है यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया ऊपर होल स्क्वायर खोलेंगे, खोलते होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए कितना हमारा रूट तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर माइनस दो इंटू थ्री रूट थ्री और इंटू फोर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा देखो तीन का स्क्वायर तीन दिया नौ और रूट तीन का स्क्वायर तीन तीन नौ दिया सत्ताईस माइनस चार चौक सोलह, ये भी वही चीज खुली, ये जो खुला है वही चीज तो ये तीन तिया नौ नौ तिया सत्ताईस प्लस चार चौक सोलह, ठीक है माइनस तीन दुनी छह और छह चौक चौबीस रूट तीन बटे इसमें से घटाओगे क्या बचेगा ग्यारह, ये दोनों जोड़ दो आपस में कितना हो गया छह दुनी बारह और एक तेरह हासिल लगा एक पैतालीस माइनस चौबीस रूट तीन और बटे में हो गया ग्यारह, ये इसका क्या रहा होगा आंसर आ रहा होगा। ऐसे लिखा होगा या फिर बुक के अंदर इस तरीके से दे रखा होगा फोर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी फोर रूट थ्री रूट थ्री इस तरीके से दे रखा होगा, ऐसे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है आईएमपी है, एक बार ध्यान रखना आप लोग जो देख रहे हो वीडियो के अंदर अगर सबासी चाह रहे हो तो सही से देखते रहना, तुम्हारा नाम भी बोल दूंगा जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसका, ठीक है जो ठीक ठाक सही से बैठ हुआ होगा लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा कभी भी देखना, ठीक है हाँ। तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, थैंक यू सर, अभी पता चलेगा थैंक यू तब देना जब यानी कि करोगे ऐसा काम ठीक है बराबर 45, ठीक है। और हमें क्या करना है सिद्ध करना, सिद्ध का मतलब प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा। अब वीडियो के अंदर जो भी देख रहा है वो ये सोच रहा होगा कि बड़े ही समझदार बच्चे हैं जो कि अभी तक आवाज तक नहीं आ रही थी कभी कभी आ रही है, तो देख लो मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी अच्छे बच्चे होने चाहिए ना, आप भी पढ़ने चाहिए, ठीक है।
तो देख लो ध्यान से। अब अगर हमें थीटा बराबर दे रखा और ये प्रूफ करना, तब हमें करना क्या है? अब ऐसा मत समझ लेना ज्यादा तारीफ कर दी। ये है साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 45। ये दे रखी है 45, तो यहाँ पे 45 पुट कर देंगे। कॉस 45 इक्वल्स टू साइन 2 × 45। यहाँ से 2 × 45 की वैल्यू 1/√2 बदल जाएगी, 1/√2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन 45 × 90। 2 × 1 = 1, √2 की √2 से गुणा हो गई 2 इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1। इससे ये कट गया, 1 = 1 दोनों तरफ आ गया। ये हमारा क्या प्रूफ? यस क्लियर। इजी था, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, टकराता रहता है, ठीक है? ध्यान से देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, IMP क्या रखा है? cosec a इक्वल्स टू दे रखा है 17/15। तो हमें अब नहीं नहीं प्रूफ दैट क्या करना है? sec a बराबर 17/15, ठीक है? तो हमें देखो बच्चे ये चीज दे रखी है, अब हमें क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना। तो किसी तरीके से हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पर, अगर दिखाई दे रहा हो कि sec और cosec में कोई संबंध बैठ रहा हो। यस सर, उल्टा अपोजिट। अपोजिट नहीं है, sec में अपोजिट नहीं होता, साइन होता तो अपोजिट होता, साइन होता तो अपोजिट होता, पर ये क्या हमारा sec है, ठीक है? तब देखो भैया तरीके बहुत सारे हैं करने के सर, लेकिन आपको वो तरीका पकड़ना है एग्जाम के अंदर जो आप जल्दी से जल्दी एब्सॉर्ब कर सको, ठीक है? अरे बस न, तो हमें अगर sec देखें तो sec बराबर हो रहा 1/cos, 1/cos होता और cos की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो cos की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? sec दे रखा, cosec दे रखा, 1/sin होता तो sin यानी कि इसकी उल्टी हो जाएगी वैल्यू, ठीक? देखो भाई कैसे करेंगे, तरीके बहुत सारे हैं, जो समझ में आ जाए पहले वो कर लेना। देखो cosec, ठीक, cosec a बराबर दे रखा है, आप चाहो चित्र बनाकर भी कर सकते हो, जो सबसे पहले शुरुआत में कराई थी वैसे भी। cosec a बराबर दे रखा 17/15, ये दे रखा था, ठीक है? तो इसे अगर लिखेंगे 1/sin a इज इक्वल टू जाएगा 17/15, ये पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि साइन ए बराबर हो जाएगा 15/17, ये आ गई हमारी साइन की वैल्यू, ठीक है? अब ये साइन की वैल्यू आने के बाद यहाँ से ले लेंगे LHS, चलेंगे यहाँ से LHS, तो LHS हमारे पास क्या है? sec a, इसे लिखेंगे 1/cos a, ठीक है? 1/cos a, ठीक है? अब ये चीज होने के बाद हमने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, cos स्क्वायर a बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1 − sin² a, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो cos की वैल्यू निकालना चाहें तो स्क्वायर हटेगा, क्या जाएगा? रूट, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि cos थीटा बराबर लिख लेंगे 1/√1 − sin² a, और ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे चूंकि cos a बराबर 1√1 − sin² a, ठीक है? ये चीज हम लिख देंगे 1/√1 − sin a की वैल्यू जो निकल के आई उसे उठाकर लिख देंगे, कितनी थी? 15/17, और इसका क्या था? स्क्वायर 1/√1 − 15 का स्क्वायर होता है 225, और 17 का स्क्वायर होता है 289, कितना होता है? 289, ठीक, बराबर 1/√, यहाँ से ऐसे मिलेंगे 289, ऐसे मार के यहाँ पर 289 − 225। अगली लाइन में 1/, इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा? 49/289 बराबर क्या हो जाएगा? 1/, ये किसका होता है? 7 का, और ये किसका होता है? 17 का, ये किसका होता है? 17 का, ठीक है? तो हमें क्या प्रूफ करना था? गलती हो गई हमसे, यहाँ पे हमने घटाया, जल्दबाजी में गलत कर दिया, 64 है, इसे घटाओगे 64 आएगा, और ये किसका होता? 8 का। अब ये पलटेंगे तो पलटने के बाद कितना हो जाएगा? 17/8, और ये हमें क्या लेके आना था? RHS।
ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आईएमपी है क्या दे रखा है 10, 30 और cot 60 ठीक है देखो बच्चे 10, 30 की वैल्यू 1/√3 और cot 60 की वैल्यू कितनी होती है cot 60 की वैल्यू भी होती है 1/√3 कितनी होती है 1/√3 वन वन जा वन रूट थ्री की रूट थ्री देखो इतना सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं था क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रखा है साइन 30 और साइन 60 साइन 45 साइन 30 की वैल्यू 1/√2 ये साइन 60 की वैल्यू √3/2 और 1/√2 ठीक है ऊपर ऊपर की गुणा कर लेंगे √3 नीचे 2 × 4 √2 ये हो जाएगा इसका आंसर ठीक है या फिर क्या करेंगे √2 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे हम कंजुगेट कंजुगेट नहीं कंजुगेट तब होगा जब यानी कि साइन आएगा कुछ बीच में ठीक है √2 की √3 से मल्टीप्लाई होगी √6 अपॉन √2 की √2 से होगा 2 × 4 = 8 ये आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज ही खत्म हो गई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन